देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या क्या बोला हुआ है। फोर्स अप्लाई बाई रॉड ऑन द पुली, फोर्स अप्लाई बाई रॉड ऑन द पुली, इफ रॉड पुली पे कितना फोर्स लगाएगा, इफ क्या क्या दिया, इफ द ब्लॉक कैपिटल एम एंड पुली मास इज स्मॉल एम। ठीक है, पहली बात ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और ये कैसा है, स्मूथ है, और यहाँ पे देखो क्या अटैच है ऐसे, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वाइज होता है स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग कैसी है, अगर कुछ नहीं दिया तो उसको क्या मान के चलोगे, मासलेस। वो कैसी है, मासलेस है। जब मासलेस होगी तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, और टेंशन किसके होता है हमेशा अलोंग द लेंथ, स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो होता है हमेशा अलोंग द लेंथ होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये हमेशा पुल करता है, पुश नहीं करता। ठीक है, ये हमेशा देखो पुल करेगा, पुश नहीं करेगा, जो है कौन, स्ट्रिंग। अब बात करते हैं ये क्या है, रॉड, और ये पुली कितना है, स्मॉल एम है। रॉड के बारे में, रॉड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, क्यों, ड्यू टू ये रिजिड है ना, इस वजह से। तो इसी चीज को थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे आगे समझने में इजी हो जाएगा, नहीं क्योंकि आगे क्वेश्चन करेंगे तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जो स्ट्रिंग के बारे में लिखो, स्ट्रिंग अप्लाइड फोर्स ओनली अलोंग द लेंथ, अलोंग इट्स लेंथ, बेटर टू राइट इट्स लेंथ, अलोंग इट्स लेंथ, इट्स लेंथ। ठीक है, इट कैन ओनली पुल, नॉट पुश। स्ट्रिंग ऑलवेज अप्लाइड अप्लाइड फोर्स अलोंग लेंथ। अब बात करते हैं किसके बारे में, रॉड के बारे में। तो जो रॉड होगा वो क्या करेगा, रॉड फोर्स अप्लाइड ऑन एनी डायरेक्शन ड्यू टू रिजिडिटी। ठीक है, तो ये किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है। अब हमको क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, एक बार इसका बस हो गया काम। तो कैपिटल एम, इसके ऊपर टेंशन टी ऊपर की तरफ और मास नीचे एम जी, मोशन नहीं हो रहा है तो टी इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो कैपिटल एम इंटू जी। ठीक है, अब फिर इसके बाद किसकी बात करेंगे, ये जो पुली है इस पे ऐसे है ना, देखो हमको क्या चाहिए, फोर्स अप्लाई बाई रॉड ऑन द पुली, जो रॉड है वो पुली पे कितना फोर्स लगाएगा। अगर हम किस तरीके से ये निकाल लें कि जो पुली है वो रॉड पे कितना फोर्स लगाती है, तो वही बाई रॉड हो जाएगा ऑन द पुली, नहीं वही हो जाएगा रॉड ऑन द पुली, जो रॉड पुली पे लगाएगा। अगर हम निकाल लें कि पुली रॉड पे कितना फोर्स लगाती, तो वही हो जाएगा कि पुली ने रॉड ने पुली पे कितना फोर्स लगाया, क्यों, ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, जितना ये इसके ऊपर फोर्स लगा वही इतना ये भी। तो अब हम क्या करें, इसी वजह से हम लोगों ने पुली का बनाया। ठीक है, पुली का देखते हैं, पुली कितना इसके ऊपर फोर्स लगाती, तो पहले पुली ले बनाओगे तो पुली के ऊपर ये क्या है, एक स्ट्रिंग बनी हुई है, तो स्ट्रिंग भी फोर्स लगाएगी। देखो स्ट्रिंग में फोर्स
इसमें टेंशन हमेशा इधर की तरफ होगा और इधर की तरफ होगा, ये तो अलोन ऐसे होगा टी और ये कैपिटल टी, इसके ऊपर जो ये होगा स्मॉल एम इंटू जी, कैपिटल टी के बराबर कितनी है कैपिटल एम इंटू जी, और ये भी कितना है कैपिटल एम इंटू जी के करस्पॉन्डिंग। अब देखो दो फोर्स एक इधर की तरफ लग रहा है रिजल्ट, और एक इन दोनों फोर्स का सम इधर आया है, हमको इन दोनों का क्या चाहिए सम करना है, ऐड करना है। तो हमने क्या बताया था, दो फोर्स को ऐड करना हो तो कैसे ऐड करते हैं, इधर बनाओ पहले इसको एम इन टू जी, इन दोनों का फोर्स का सम किधर होगा इधर की तरफ, कैपिटल एम इन टू जी, देखो ये हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इन टू जी डाउनवर्ड, रिजल्टेंट किधर आएगा इधर आएगा आर, तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो बेसिकली ये कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर इंटू जी कहाँ आ जाएगा बाहर, ये कौन सा फोर्स है, ये है फोर्स कौन सा, इनका रिजल्टेंट किधर आया इस डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये आर वन, ये आर है तो ये आर वन, आर वन और आर क्या होंगे सेम, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर इंटू जी, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है कि नहीं, बहुत सिंपल सा बना लो इसको, ठीक है। इन जनरल अगर मान लो ये मासलेस होता, ठीक है, ये पुली क्या होती मासलेस होती, तो सीधा सीधा क्या लिखते, ये अगर मासलेस होती तो ये अंडर रूट टी आ जाता, टू रूट टी आ जाता, नहीं यहाँ पे भाई तब ये इधर भी टी इधर भी टी, ये जीरो, तो टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर रूट टू टी, ये आंसर क्या था रूट टू टी, याद रखना डायरेक्ट अंडर रूट टू टी हो जाएगा, कब किस केस में, जब ये पुली कैसी होगी मासलेस होगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का रेस्पॉन्डिंग आंसर क्या मिलेगा हमको, लाइक दिस वन करेस्पॉन्ड बराबर।